साथियों, आज हम नई वर्कशीट करेंगे जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा जारी की गई है। ये वर्कशीट 51 यानी क्रिया कलाप 51 जो कि 2 सितंबर 2020 के लिए जारी की गई है। इसमें यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, इसमें अपनी क्लास लिखेंगे, फिर अपना सेक्शन लिखेंगे, फिर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आज की वर्कशीट में हम घूमने चलेंगे यानी साइकिल पे घूमेंगे, कार में घूमेंगे, बाइक पे घूमेंगे, ट्रेन में घूमेंगे और बस में घूमेंगे, वैन में घूमेंगे। और ये क्या है जिसे मिनी ट्रक कहते हैं, उन सब में घूमेंगे। तो देखते हैं वर्कशीट क्या कह रही है, वर्कशीट किसके ऊपर है। वर्कशीट है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जो धरती पर यातायात के साधन चलते हैं, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बच्चों आपने देखा होगा जहाज उड़ता है उसे भी क्या हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जो पानी के जहाज जैसे बोट वोट होती हैं उसे भी हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पर वो एक वायु का ट्रांसपोर्ट जिसे एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम जल का यातायात के साधन कहते हैं। पर आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या कह दिया गया है, इसमें एक छोटी सी पोयम दी गई है जिसे हम पढ़ेंगे। क्या है पोयम, वी गो। क्या लिखा है, वी गो बाय कार, हम कार में जा रहे हैं। ये क्या लिखा है, यह किस में जा रहे हो आप, कार में, कार में घूमने चलेंगे ना, तो वी गो कार। फिर क्या आया अगली लाइन, वी गो बाय बस, अब कार के बाद किसमें, बस में। फिर उसके बाद किसमें, वी गो बाय ट्रेन, ट्रेन में, ये ट्रेन है ना, ट्रेन में आप जाते होगे घूमने अपने मम्मी पापा के साथ। फिर है वी गो, और वी गो बाय वैन, वैन में भी जाते होगे जब कहीं जाते होगे तो वैन में जाते होगे। अगला क्या लिखा हुआ है, वी गो गो गो, मतलब गो गो गो, फॉर हेयर टू देयर, आप इधर से उधर जाने के लिए इन इन साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वी गो बाय कार, वी गो बाय कार, वी गो बाय बस। ठीक है बच्चों, ये बस में घूमने जाना है। फिर वी गो बाय ट्रेन, ये ट्रेन है इसमें जाना है। फिर क्या है, और वी गो बाय वैन, ये क्या है, वैन है, वैन में। फिर उसके बाद लिखा है वी गो 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 फॉर हेयर टू देयर, इधर से उधर जाने के लिए इन सामानों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग, जो व्हीकल्स हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग व्हीकल्स नेम, नीचे दिए गए वाहनों का पूरा नाम लिखिए। अब आपने ऊपर तो घूम लिए इन सब वाहनों में या व्हीकल्स में, तो अब इनका हम नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, अब इसमें आपको नाम पढ़ना है और लिखना है। इसमें पहला क्या है, B-S,
बी डैश एस क्या होता है? बी यू एस, यानी बी यहाँ पे क्या आएगा? यू, बस। बस कहाँ है हमारी? जेरी। बस की स्पेलिंग क्या होती है? बी यू एस। ये कहाँ लिखा हुआ है? देखिए लिखा बी यू एस, बस। अगला क्या है हमारा? सी डैश आर। सी डैश आर क्या होता है बताओ? बताओ, ये होता है कार, सी ए आर। आपके घर में कार होगी, आपके पापा लेके जाते होंगे इधर से उधर, तो क्या है ये? सी ए आर। ये स्पेलिंग क्या होती है कार की? सी ए आर, कार। ये स्पेलिंग कार, कार की स्पेलिंग देख ली यहाँ से हमने। अब अगली स्पेलिंग देखेंगे हम। अगली स्पेलिंग क्या है? वी वी डैश एन। वी डैश एन क्या होता है बताओ? वी डैश एन क्या होता है? वैन, वी ए एन। क्या स्पेलिंग है? वी ए एन, वैन। यहाँ क्या आएगा? वी लिखा हुआ है, ए आएगा यहाँ पे, वी ए एन, वैन। अब हम कहाँ घूमने चलेंगे? ट्रेन में। तो ट्रेन की स्पेलिंग क्या होती है? टी आर, क्या होती है बताओ? बताओ, ए आई एन। का ट्रेन की स्पेलिंग सीख ली हमने, कहाँ लिखी हुई है? ट्रेन। ये स्पेलिंग टी आर ए आई एन। और ट्रेन की पिक्चर कहाँ है? यहाँ पे। तो ट्रेन में घूमने चलेंगे। अब क्या? अब हम साइकिल पे घूमेंगे। तो साइकिल की स्पेलिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो साइकिल की स्पेलिंग क्या है? और साइकिल पे आप कहाँ घूम रहे हैं? यहाँ पे। और कौन कौन बच्चा मुझे साइकिल पे बैठा के घुमाएगा? चलो अब आप बहुत छोटे हो, मैं आपको घुमाऊंगा। तो स्पेलिंग क्या हुई? सी वाई, यहाँ क्या आएगा? सी एल ई। अब साइकिल की स्पेलिंग कहाँ है? यहाँ पे। तो याद कैसे करेंगे? सी वाई सी एल ई। क्या स्पेलिंग क्या हुई? सी वाई सी एल ई, क्या होता है? साइकिल। चलिए अब क्या लिखा गया? अब क्या करना है हमें? हाउ मैनी व्हीकल आर देयर इन द व्हीकल्स। नीचे दिए गए वाहनों में कितने पहिए हैं? अब आपको अपने किस किस के पहिए गिनने हैं? साइकिल के और कार के। आपकी साइकिल में कितने पहिए हैं? मेरी साइकिल में तो चार पहिए हैं। कैसे, कोई बता सकता है? दो साइकिल के। अच्छा, तो अब हमारी एक साइकिल में कितने होंगे? दो पहिए, एक आगे का और एक पीछे का। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइकिल में कितने पहिए होते हैं? व्हीकल्स टू। और कार में कितने होते हैं? जाके गिन के आइए, आपके घर में अगर कार हो तो फोर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या आएगा आंसर? टू और फोर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ड्रॉ ए बस स्लैश ट्रैक। बस या ट्रक और ए ट्रेन यूजिंग डिफरेंट शेप एंड कलर इट।
मतलब हिंदी में पढ़ेंगे विभिन्न आकृतियों का प्रयोग करके एक बस, एक ट्रेन या रेलगाड़ी का चित्र बनाइए। इसमें रंग भरिए। अब जैसे इस चित्र में क्या दिखाया गया, क्या बनाया गया, किसी बच्चे ने, हमारे आपके जैसे बच्चों ने किसने बनाया, ये ट्रक। तो आपको क्या, अभी आपको भी इसी तरह बनाना है, विभिन्न आकृति होगा। जैसे आपके पास पेपर होगा तो उस पे, या फिर आप अपने स्केच पेन का प्रयोग करके शीट पर एक बस या फिर या ट्रक या रेलगाड़ी का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें और मुझे दिखाएं, या अपने मम्मी पापा को या अपने टीचर को दिखाएं। ठीक है बच्चों, इसमें वर्कशीट में क्या क्या सीखा आज हमने, आज हमने यातायात के साधन सीखे। पर यातायात के कहाँ के साधन सीखे, जो कि धरती पर चलते हैं या जमीन पर चलते हैं, जिसमें हम साइकिल पे घूमें, कार में घूमें, बाइक पे घूमें, ट्रेन में घूमें, बस में घूमें, वैन में घूमें और एक ट्रक में घूमें। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार पोयम देख लेते हैं। वी गो बाय कार, वी गो बाय बस, ठीक है, वी गो बाय कार, वी गो बाय बस, वी गो बाय ट्रेन और वी गो बाय वैन। ठीक है, और इसके आगे क्या कहता है, वी गो गो गो, वी गो 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 फॉर हेयर टू देयर। ठीक है, और एक्सरसाइज देखते हैं हम। इसमें एक्सरसाइज में क्या है, पहला क्वेश्चन है आपको नीचे दिए गए वाहनों का नाम लिखना है, व्हीकल्स का नाम लिखना है। तो पहला क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था बताओ जल्दी, बस, बी यू एस, बस। बस कहाँ है हमारी, ये रही बस। स्पेलिंग क्या है बस की, ये रही बी यू एस, बस। फिर क्या है, कार, कार कहाँ है, आपके घर में, आपके दोस्तों के पास या फिर आपके बड़ों के पास। और इसमें कहाँ है हम जिसमें घूमें, ये रही कार। स्पेलिंग क्या होती है कार की, सी ए आर, ये रही कार, सी ए आर, कार। फिर उसके बाद हम किस में घूमें, वैन में। वैन की स्पेलिंग क्या होती है, वी ए एन, ये रही। उसके बाद हम कहाँ किस में घूमें, ट्रेन में। ट्रेन कहाँ पे है, ये रही। और ट्रेन की स्पेलिंग कोई मुझे बताएगा, चलिए ये रही ट्रेन की स्पेलिंग, टी आर ए आई एन, ट्रेन। ट्रेन में घूमने के बाद हम किस में चले, नन्हे मुन्ने बच्चों की साइकिल पे। साइकिल कहाँ है, ये देखो आपका दोस्त साइकिल पे घूम रहा है। साइकिल की स्पेलिंग क्या होती है, सी वाई सी एल ई। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी और ई, इन फिल इन द ब्लैंक्स में साइकिल की स्पेलिंग होती है पूरी। अगली स्पेलिंग, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वाहनों में कितने पहिए हैं। अब आप अपने साइकिल के पहिए गिनेंगे, तो साइकिल में कितने पहिए हैं, दो, और कार में कितने पहिए हैं, चार। उसके बाद विभिन्न आकृतियों का प्रयोग करके एक बस या ट्रक या रेलगाड़ी का चित्र बनाएं और रंग भरिए। आपको अपनी ड्राइंग की बुक या नोटबुक में इस किस किस का, एक बस, ट्रक या रेलगाड़ी का चित्र बनाना है, जैसे इस बच्चे ने बनाया है। पर आप इस तरह का नहीं, और भी अच्छा बनाएं, जिसमें विभिन्न तरह के कलर करके इसको बनाएं और अपने मम्मी पापा को या मुझे या फिर अपने टीचर को दिखाएं। ठीक है बच्चों, और
आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि आज की वर्कशीट में क्या करना है या क्रियाकलाप में क्या करना है। और मुझसे इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, जिससे हम दोबारा मिल सकें। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, बाय बाय।